हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि चिलम कैसे बनाएं। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि चिलम कैसे बनाएं। तो ये देखिए, मैंने पॉट का बेस वगैरह ले लिया है और पाइप ले लिया है, और ये देखिए बॉटल्स वगैरह भी ले लिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि चिलम कैसे तैयार करें। तो ये मैंने लिए चिलम जो कि मिट्टी की है, और ये मैंने फ्लेवर ले लिया है। तो फ्लेवर लेने के बाद इसको मिक्स कर लें, जिससे फ्लेवर में जो लिक्विड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे फ्लेवर का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो ये हम फ्लेवर डालेंगे हुक्के में। तो आप अपने हिसाब से फ्लेवर रख लीजिएगा, जितनी देर आपको स्मोक चलाना है या अच्छे से हुक्का पीना है। तो स्मोक अच्छा आएगा फ्लेवर लगाने से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रखना है। तो हमने फ्लेवर ये डाल लिया है, और इसको कैसे सेट करें ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने फ्लेवर डाल लिया है चिलम में। सो ये देखिए, हमारी चिलम रेडी हो चुकी है। जो इसके बीच वाले होल हैं, इनसे साइड में रख करके फ्लेवर लगाएं। तो ये सिल्वर फॉइल ले लिया है हमने, तो सिल्वर फॉइल लगाएं। टाइट सिल्वर फॉइल लगाइएगा, इतना भी टाइट मत कर लीजिएगा कि सिल्वर फॉइल फट जाए। तो इसको हम सिल्वर फॉइल को लगा लेंगे। सिल्वर फॉइल को लगा लिया है ये हमने। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो फाड़ लीजिएगा, और ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट इसका फाड़ लिया। तो बिल्कुल इसका एक्स्ट्रा पार्ट फाड़ लीजिए। ये हमने, ये देखिए, अच्छे से सेट हो गई है चिलम हमारी, और सिल्वर फॉइल भी अच्छे से सेट हो गया इसका। तो गाइज, हम यहाँ पर सुई ले लेंगे। ये सुई या कुछ भी बारीक चीज़ हो तो आप ले लीजिएगा, उससे छेद कर लीजिएगा। तो सुई से हम होल करना शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको होल बिल्कुल बारीक बारीक कर लें, मतलब जैसे साइड साइड में छोड़ छोड़ के कर लेना। ज़्यादा खोल 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 के मत करना गाइज, क्योंकि ज़्यादा खुलने से हवा ज़्यादा प्रेशर होती है, तो स्मोक अच्छा नहीं बन पाता। तो हमने ये होल कर लिया है। तो गाइज, अभी अच्छे से छेद दिख होल दिख नहीं रहे होंगे आपको, क्योंकि अच्छा फ़ोन नहीं है तो इस वजह से होल दिख नहीं रहे। तो ये साइड में हम कवर लगा लेंगे इसके, जिससे कोयले ना गिरे। तो हम ये इसके जो साइड का बेस है सिल्वर फॉइल का, तो ये सेट करेंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए, हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया है। तो ये देखिए, अच्छे से आपको इसको टाइट करना होगा, और जो इसके साइड का रैप है इसको फोल्ड कर लीजिए। ये जो साइड का रैप है इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो इससे आपका जो सिल्वर फॉइल है वो गिरेगा नहीं। तो ये हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो ये देखिए, चिलम हमारी रेडी हो चुकी है गाइस। तो आप ऐसे ही गाइस, आप अपनी चिलम ऐसे रेडी कर लीजिए। और ये मैं कोकोया की कोल यूज़ कर रहा हूँ। ये कोल आपको कहीं भी मिल जाएगी हुक्के की शॉप पर। और तो जो इसमें कोल आती है वो ब्रिक वाली आती है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये ऐसे ब्रिक वाली कोल आती है, ये बेस्ट रहती है। इससे डेन स्मोक आता है, अच्छा स्मोक आता है, ये काफ़ी देर तक भी चलती है। और ये हम ज़्यादा रखने के लिए तीन यूज़ करेंगे सिर्फ, ओनली मिनिमम 3 ब्रिक्स रखेंगे हम चिलम के ऊपर। तो ये हम, ये निकल भी नहीं रही है, काफ़ी हार्ड होती है। तो ये हमने सेकंड चिलम के ऊपर कोल रखी है, और ये थर्ड। अभी मैं आपको इसको जला के भी दिखाऊंगा, जिससे अच्छा लुक आए। तो गाइज, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर कोयले अच्छे से रख दिए हैं। तो ये देखिए गाइज, ये बेस्ट चिलम तैयार हो चुकी है आपके लिए। तो आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको जला के, असल में टाइम लगता तो इसलिए मैंने पहले से जला के रखी हुई थी। तो आप देखिए, ये अच्छे से बर्न हो चुकी है। होप सो गाइस, आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।